हेलो मित्रों जी, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 2.7 अपडेट जो कि ग्लोबली पबजी मोबाइल में आने वाला है, उसमें क्या क्या न्यू अपडेट्स में आने वाला है और क्या न्यू फीचर्स है, मैं सभी आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से स्पॉन आइलैंड आपको दिखेगा, यहाँ पे इस तरह की हार्ट्स ऐड की गई हैं। ये एक ग्लोबल विलेज बनाया गया है, छोटा सा ड्रैगन विलेज भी जिसे कहा जाता है गेम के अंदर। उसके अलावा यहाँ देखें ट्रैक्टर भी ऐड किया गया है। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा आपको पबजी मोबाइल एक्स ड्रैगन बॉल जो है उसकी कोलैबोरेशन दिखेगी। मैच के स्टार्ट होते ही इसमें ग्रैंगल में क्या क्या चेंजेस हैं और इवेंट कहाँ कहाँ कैसे हैं, मैं आपको सभी जो है आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ देखें शेमड्रोन सुमनिंग आल्टर एक ड्रैगन बॉल विलेज है। हम पहले जाएंगे ड्रैगन बॉल विलेज में, ये सनाया वाली जगह जो यहाँ भी मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल विलेज में, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये देखें ड्रैगन बॉल विलेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको लेवल 3 की लूट्स मिलेंगी, आपको जो है रिकॉल जो है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको जो है रिस्पॉन कार्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसा कि हमें इवेंट से मिलता है। उसके अलावा कुछ इस तरह यहाँ पे डिफरेंट क्रेट्स पड़े होंगे, इन क्रेट्स को आपने ओपन करना है और इसके अंदर लेवल 3 की लूट जो है वो आपको मिलेगी और हेलमेट्स मिलेंगे, वेस्ट मिलेंगी, मीन्स लेवल 3 की लूट होती है इसमें ऑलमोस्ट। उसके अलावा डिफरेंट पावर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगी जो कि आप गेम में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस तरह के आपको कॉइन मिलेंगे, ये डिफरेंट पावर्स क्या हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा शिनड्रोन जो है उसको किस तरह से जो है समन किया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले मैं आपको जो है ड्रैगन बॉल विलेज जो है वो विज़िट करवाता हूँ और इसकी लूट भी दिखाता हूँ कि किस किस तरह की यहाँ पे लूट आपको मिलेगी। यहाँ पे अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्पॉन कार्ड भी मिलता है और मेन इवेंट यही होगा ड्रैगन बॉल विलेज। इसके अलावा इसमें एक व्हीकल भी यहाँ आपको मिलेगी, ये देखें कुछ इस तरह से दिखेगी, इसे आप बूस्ट भी कर सकते हैं। ये ड्रैगन बॉल विलेज इवेंट है जो कि आपको विज़िट करने के बाद जो है आपको रिस्पॉन कार्ड भी मिलेगा और यहाँ से इंतहाई हैवी दर्जे की लूट आपको मिलेगी। उसके अलावा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि और जो है क्या क्या न्यू चीज़ें हैं। ये जो व्हीकल है इसको आप जो है पिक भी कर सकते हैं, मीन्स कि ये आपके बैग पैक में आ जाएगी और आप कहीं भी इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से जैसे हम स्मोक थ्रो करते हैं, इसे भी थ्रो करके उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। बूस्ट करने के बाद इसकी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है और इसमें जो है ये थ्री सीटर है, एक ड्राइवर और पीछे दो जो है आपके टीममेट्स भी आप कैरी कर सकते हैं इसमें। ये इसके अलावा जो है ये पानी में जो है वहाँ भी ड्राइव हो सकती है, और इसके अलावा अगर एनिमी कोई आप पे अटैक करता है या एनिमी जो है आपने नॉक करना हो तो वो भी आप इस व्हीकल के ज़रिए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ यसनाया की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखें एनिमी को इस तरह से आप लॉक कर सकेंगे और साथ ही आप फिनिश भी कर सकेंगे इसी व्हीकल के ज़रिए। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो बूस्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखें यसनाया के पास एक छोटा सा आइसलैंड बनाया गया है, ये भी आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल तो विक्टर जूस के मज़े उड़ा रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो दूसरे इवेंट पे लोकेशंस हैं जो कि ऑरेंज कलर में मार्क हुई हुई है। यहाँ पे आने का बेसिकली मकसद क्या है, यहाँ पे आपको देखें डिफरेंट किस्म के जो है कॉइन मिलेंगे, ये आपने कलेक्ट करने हैं। एटलीस्ट 7 कॉइन्स होने चाहिए। यहाँ पे देखें मैं पिक कर रहा हूँ, चाहे आप पिक करेंगे ड्रैगन बॉल के कॉइन या फिर आपका टीममेट, यहाँ पर नीचे देखें हाईलाइट होने लग जाएंगे कि इतने कॉइन आपके पास हैं। और इन कॉइन का मकसद क्या है, यहाँ पे देखें आप जो है ये देख रहे हैं ये जगह लोकेशंस बन गए एंगल में डिफरेंट प्लेसेस पे। यहाँ पे जो है आप शिनरून को जो है सुमन कर सकते हैं, यानी कि एक ड्रैगन आएगा और वो आपकी विश पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास 7 कॉइन्स होने चाहिए। मैं अभी 7 कॉइन्स पिक कर रहा हूँ और जैसे मेरा कोई टीम मेट पिक करता है तो यहाँ पर देखें वो भी हाईलाइट हो जाएगा कि एक कॉइन और बढ़ गया। अब मैं जैसे ये ओपन करूँगा यहाँ पे देखें, वो देखें अब हमारे पास जो है 5 कॉइन हो चुके हैं। यहाँ पे देखें ड्रैगन रडार को यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं। ड्रैगन रडार जो है वो आपके बैकपैक में ऑलरेडी मौजूद होता है जैसे गेम स्टार्ट होगी,
उसके अलावा जो है आपने यहाँ से जैसे ही कोई ड्रैगन बॉल पिक कर लेनी है, यहाँ पे देखें आप एक ही रह गया, तो ये चाहे आपका टीममेट पिक करे या फिर आप पिक करें, जैसे ही आप पिक कर लेंगे उसके बाद जो है इसे कोई भी सुमन कर सकता है ड्रैगन को। तो यहाँ पे देखें ये मैंने पिक किया, अब ड्रैगन रडार जो है डिसेबल हो गया। ये देखें हम यहाँ पे शिनरन सुमनिंग आल्टर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है एंगल में, ये देख रहे हैं लोकेशन, मेरी सबसे करीबी लोकेशन ये सनाया में है। अगर मैं पहले पहुँच गया तो मैं इसे सुमन कर सकता हूँ, अगर आपका कोई टीममेट है वो पहुँच गया तो वो भी कर सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जाने के बाद क्या होता है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये, और यहाँ पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे विश करनी है। कैसे, सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जैसे ड्रैगन आएगा आप व्यू देखिएगा इस एंगल में हर तरफ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है प्लेस करनी है अपनी ड्रैगन बॉल्स, 7 ये जो होल्स बने हुए हैं ऑटोमेटिकली लग गई हैं। अब यहाँ पर देखें शिनरन जो है वो सुमन होने लगे, बहुत खूबसूरत व्यू होता है जब वो आ रहा होता है। यहाँ पे देखें ऊपर एंगल पे बादल आ जाएंगे और बिजलियाँ कड़कने लगेंगी हर तरफ। तो ये देखें शिनरन जो है वो आ चुका है, अब आप इसके करीब जाएंगे तो आप जो है विश कर सकेंगे, और विश में क्या क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, अभी आपको बल्कि दिखाता हूँ उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखें ये एडवांस्ड सप्लाईज़, उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग या फिर फास्ट रहेंगे, आप एक विश करेंगे, जैसे मैंने ये देखें एडवांस प्लाइज की विश की है, तो ये पूरे स्क्वाड के लिए एडवांस प्लाइज आ जाएंगे। यहाँ पे बोट आ गया, पहले मैं इसे फिनिश कर दूँ। ये देखें आप एडवांस प्लाइज में क्या है, ये आपके पूरे स्क्वाड की आपने जो है सप्लाई मंगवा ली है, अब आपकी मर्ज़ी है, आपके साथ स्क्वाड है तो वो भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है इन सभी क्रेट से लूट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले क्रेट में MG3 आई है, उसके बाद जो है मैं दूसरा क्रेट ओपन करता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको उसमें क्या क्या है। यहाँ पे देखें हमें AWM देखने को मिल गया, तो इस तरह से आप जो है इसे ओपन कर सकेंगे, और पहली विश जैसे ही हो जाएगी उसके बाद दोबारा वो विश आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद इसमें एक फास्टर हीलिंग वाला ऑप्शन है, वो विश भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप हीलिंग लगाएंगे तो वो बहुत फास्ट होगी, जैसे कि आपने पहले भी एक दो इवेंट्स में देखा होगा, तो वो आप जो है यूज़ कर सकेंगे। उसके अलावा जो है टीममेट अगर आप आपका नोक होता है तो आप उसे कैरी भी कर सकते हैं कार में, और उसके अलावा भी काफ़ी न्यू ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं, जैसे ही अपडेट आएगा आपको विजिबल हो जाएंगे। ये वो तरीका जिसके ज़रिए जो आप शिनरन को सिमन कर सकते हैं, काफ़ी प्लेयर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा इसलिए मैंने कहा चलो ये समझा देता हूँ। इसके अलावा ये व्हीकल जो है इसको भी बनाना मैंने आपको बता दिया, इसे आप ड्राइव दबाएँ बूस्ट करें और उसके बाद जो है एंगल में आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखें ये एनिमी को टच ही होती है और एनिमी जो है फिनिश हो जाता है, यानी कि एक अच्छी व्हीकल है ये, लेकिन इसकी हेल्थ के बारे में तभी पता लगेगा जब फाइट्स होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी हेल्थ जो है आम व्हीकल्स की तरह होगी, अगर है तो फिर तो इससे अच्छी व्हीकल कोई भी नहीं होगी। और यहाँ पे देखें शिनरन आल्टर होने के बाद जो है इस एरिए में अभी तक जो है उसके निशानात हैं, और ये लूट भी पड़ी हुई है। उसके अलावा मैं आपको और एक जगह दिखाता हूँ, ये यसनाया के पास देख रहे हैं आप डॉट बना हुआ है, अगर आप इस ऑरेंज डॉट के पास जाते हैं एंगल में डिफरेंट प्लेसेस होता है, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक बहुत बड़ा जो है हॉल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप इन ऑरेंज डॉट्स पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह की लोकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ, यहाँ कुछ स्पेशल तो नहीं होगा लेकिन ये है कि लूट वगैरह जो है यहाँ पर भी आपको मिल सकती है, अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं या फिर आप फाइट्स को अवॉइड कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखें इस तरह ये लोकेशन बनी हुई है, सेंटर में तो कुछ भी नहीं है लेकिन जो स्टेयर्स वाला एरिया है यहाँ पे अगर हम देखें तो लूट पड़ी हुई है, तो यहाँ से आपको लूट मिलेगी अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है, ऊपर देख लें आप लूट वगैरह पड़ी हुई है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखें हमारे पास ये पावर है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप
अच्छी खासी आपके करैक्टर की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखें इस तरह यूज़ होगी, और नीचे देखें जैसे ये फुटबॉल कार्निवल में आया था वो मैसी गोल्डन शूज़ वाला, उसी तरह ये भी पावर है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रैगन बॉल जो है वो हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 4 हो चुकी हैं, आप 3 और चाहिए। ये देखें मैंने क्रेट ओपन किया जो है 5 हो गया, 2 और आपको मज़ीद बॉल्स चाहिए। उसके बाद आप देखें अब एक रह गया, मेरे टीम मेट ने शायद पिक किया, तब इससे पहले वो दूसरी पिक करे मैं उस जगह पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर जो है ड्रैगन को सुमन किया जाता है। यहाँ पे देखें मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ और बॉल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एक बार जब विश कर लेते हैं तो दोबारा वो वाली विश नहीं होती। यहाँ पे देखें मैं दोबारा बॉल्स को प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें सुमन होने के बाद जो है मुझसे विश पूछेगा, और पहली विश जो मैंने की थी एडवांस प्राइज वाली वो नहीं होगी। आप यहां से अपने स्क्वाड को भी जो है दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं अगर वो एलिमिनेट हो चुका है। तो ये वो अपडेट में न्यू फीचर्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं, और जल्दी अपडेट आ जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा कि डायनो ग्राउंड मोड जो है आज जा चुका है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अपडेट ऑफ वीडियो यू कैन कमेंट अप बीनीथ दिस वीडियो, आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।